हेलो गाइड्स, ओपनिस्ट में आपका स्वागत। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आशा का तो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपके जो आज का जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के लिए मैं वीडियो बनाया, तो आप प्रॉब्लम देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो गाइड्स, ये जो कंपनी का टीवी है, ये एलजी कंपनी का सीआरटी टीवी है 21 इंच का। और मिडिल पे देखिए, इसका मिडिल पे जस्ट कुछ लाइन है, लेकिन इसमें पिक्चर नहीं बन रहा है। ऊपर नीच साइड चारों तरफ ये थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन ऊपर नीच में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम आखिर हो रहा है। तो देखिए, ऊपर और नीचे क्या हो रहा है, पूरा ब्लैक है, और जो लेफ्ट एंड राइट में पिक्चर है वो थोड़ा सा कटी हुई है। अब क्या हो रहा है, ये जो लाइन है, ये लाइन भी सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा भी है। ओके, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आने पर आपको क्या क्या कॉम्पोनेंट चेक करना चाहिए, तो सारे जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को मैं दिखाया वीडियो के थ्रू। तो आप लोग देखिए वीडियो और काम कीजिए बहुत ही आसानी से घर बैठे। तो चलिए टीवी को खोल के मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं पहले से टीवी को खोल के रखा था, क्योंकि मैं सोचा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए ये वीडियो, तो फिर मैं वीडियो बना लिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं फर्स्ट टाइम जो आपको करना है। आखिर अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा आपके पास, तो आपको प्रॉब्लम देख के समझना चाहिए कि स्क्रीन पे प्रॉब्लम देख लेना है और समझना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो ऊपर नीचे क्या हो रहा है, पूरा ब्लैक है, और लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा सा कटा हुआ है, लेकिन लाइन भी ठीक नहीं है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम आते हैं जो पिक्चर का, जो यानी जो योक कॉइल का काम होता है क्या, पिक्चर को फैलाना। ठीक है, अगर योक कॉइल नहीं लगा रहेगा, तो आपको आप लोग एक टेस्टिंग कर सकते हैं कि योक कॉइल का जो वायर है वो पीसीबी में नहीं लगाना है, आपको खोल देना है अच्छी सेट में, और फिर आपको लाइन देना है। तो देखेंगे आप कि योक कॉइल का वायर जब आप खोल के लाइन देंगे, तब टीवी के मिडिल स्क्रीन पे एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु देखने को मिलेगा, एक डॉट, एक लाइटिंग डॉट मिलेगा देखने के लिए। तो वो जो बिंदु है मिडिल पे, उस बिंदु को एसटी देते हैं लाइटिंग, और योक कॉइल क्या करते हैं, वो जो बिंदु है उसको लेफ्ट एंड राइट में फैलाता है। ओके, वो योक कॉइल का काम होता है। तो अभी क्या हो रहा है, इसमें जो लाइटिंग को फैला रहे हैं, वो लाइटिंग को पूरा नहीं फैला पा रहे हैं। ओके, तो इसमें आखिर किसको आप समझ सकते हैं कि किसका प्रॉब्लम है। तो चलिए फर्स्ट टाइम देख लेता हूँ कि वर्टिकल जो आईसी है, क्योंकि वर्टिकल आईसी भी काम करते हैं जो लाइटिंग है एंड टीवी का जो स्क्रीन है उसको फैलाना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो सेक्शन काम करते हैं, लेफ्ट और राइट। यानी वर्टिकल करते हैं क्या, अप डाउन में, और हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं लेफ्ट एंड राइट पे काम करता है। तो चलिए आपको मैं वर्टिकल आईसी पे कुछ वोल्टेज दिखा रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो सही आ रहे हैं या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज वगैरह है सब कुछ सही है, क्योंकि गाइस मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वर्टिकल आईसी से कम ही होते हैं। ऐसा बहुत सारे जो प्रॉब्लम हैं, जो भी कंपनी के टीवी हो, ज़्यादातर क्या होते हैं, ये कॉइल से प्रॉब्लम आते हैं। तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि प्रॉब्लम इस वक्त रेडी है, यानी प्रॉब्लम है, और ये जो वर्टिकल आईसी है इसमें देखिए वोल्टेज कितना दिख रहा है। तो वोल्टेज परफेक्ट दिख रहा है, और परफेक्ट दिखना भी चाहिए, यही अच्छी बात है, क्योंकि परफेक्ट दिखना चाहिए वोल्टेज। और देखिए ये कॉइल में क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन में देखिए वोल्टेज कितना है, ये कॉइल के पिन पे तो 0.2 0.1 ऐसे ही वोल्टेज आ रहे हैं। तो इधर जो सप्लाई है, ये सप्लाई सब सही है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और आप चल जाते हैं, देखिए यहाँ पे जो ये कॉइल लगा है पिक्चर ट्यूब में, इसके पास जाते हैं और आपको दिखाते हैं कैमरा से, बहुत नज़दीक से, बहुत अच्छी से आप देखिए। तो फर्स्ट टाइम क्या करना है, आपको बेस बोर्ड को खोल लेना है पिक्चर ट्यूब से। ऐसा कर दो कि आप लोगों को बेस बोर्ड खोलना आता है, तो आपको खोल लेना है। और उसके बाद जो यहाँ पे आप मिलेगा, ये जो चूड़ी है, इसको चूड़ी बोलते हैं हम लोग, जो कलर के लिए दिया गया है, यहाँ पर मैग्नेटिंग वगैरह सब कुछ काम करते हैं। तो इसको आपको जो यहाँ पे स्क्रू मिलेगा, इसको ढील कर देना है, पूरा नहीं खुलना है। और ये जो पिन, ये जो पिक्चर ट्यूब के जो ट्यूब के साथ लगा रहता है आठा से, इसको आपको थोड़ा थोड़ा हिला देना है और फिर निकलना है बाहर।
ध्यान रखिएगा कि एक एक जो इसका लाइन है इधर उधर ना हो, बहुत अच्छे से आपको करना है काम। और उसके बाद क्या करना है, देखिए फिर से आपको दिखा रहा हूँ, खोलने से पहले फिर आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, आप फॉलो कीजिए। तो देखिए यार सेमी प्रॉब्लम है, ओके, जो पहले प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम है। अब मैं खोल रहा हूँ, जो यो कॉइल है इसको खोल रहा हूँ। और अगर आपको यो कॉइल खोलना नहीं आते हैं तो चलिए आप वीडियो अच्छे से देखिए, आपको यो कॉइल भी खोलना दिखा देते हैं मैं वीडियो के थ्रू, तो आपको खोलने में बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए वैसे ही जो फर्स्ट टाइम खोले हैं आप, जो चूड़ी था मैग्नेटिंग के लिए, कलरिंग के लिए, तो आप देखिए यहाँ पे वैसे ही प्रोसेस है। यहाँ पे भी एक स्क्रूप मिलेगा आपको, स्क्रूप को आपको ढील करना है। ओके, तो मैं ढील कर दिया स्क्रूप को। आप जो इसका वायर है इसको खोल लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं न्यू जो ईयर कॉइल है उसको डालने वाला हूँ। तो ईयर कॉइल में क्या होता है, नंबर होते हैं, अगर नंबर मिट जाए तो आपको जो इसका जो पिन है या फिर आपका जो ईयर का फेस है यानी ईयर का चेहरा है वो देख के भी आप ईयर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर है, नंबर थोड़ा सा मिट गया है इसलिए कैमरे पे साफ नहीं आ रहे, तो यहाँ पे नंबर है, नंबर दिख नहीं रहा है यानी मिट चुके हैं। तो वही सेम जो देखने में है योग, मेरे पास इस योग का जो न्यू योग है इसका नंबर आप देख सकते हैं 2192। ओके, तो ये जो योग है मैं इसको लगा रहा हूँ सेट पे और देखता हूँ जो प्रॉब्लम आ रहे थे पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं। तो देखिए मैं लगा दिया सेट पे, बहुत सावधानी से काम कीजिए, बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है और कुछ गार्ड नहीं है, जस्ट पिक्चर ट्यूब का जो गन है वही है, तो ये बहुत नाजुक हिस्सा होते हैं पिक्चर ट्यूब के अंदर। और जो वायर में खोला था तो इसको लगा दूंगा, अब जो पहले लगा था बस सेम प्रोसेस है। फर्स्ट टाइम तो इधर का जो आपके सामने होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल के लिए यानी फर्स्ट लग जाएगा जो रेड वायर है, और उसके बाद ब्लू वायर उसी लाइन पे लास्ट पे लगेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो एक एक पॉइंट जब खोलने टाइम ध्यान रखेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट लगा दिया रेड वायर और लास्ट में लगा दिया एक ही लाइन पे ब्लू वायर, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों वायर जो है ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन से आते हैं, तो इसका काम क्या है ये जानना पड़ेगा आपको, आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे इसका काम है क्या, लेफ्ट एंड राइट में पिक्चर को फैलाना। ओके, और उधर जो आप देख रहे हैं लगा रहा हूँ वर्टिकल सेक्शन से आते हैं जो वायर, इसका काम क्या है, अप और डाउन में पिक्चर को फैलाना। ओके, तो आपको मालूम हो गया कि पिक्चर फैलाने के बारे में जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं। तो ज़्यादातर होते क्या हैं, कभी कभी फॉल्ट ऐसा भी होते हैं कि वर्टिकल सेक्शन से यानी पीसीबी में भी आते हैं ऐसा प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा था अभी कि मिडिल पे ही छोटा सा पिक्चर बन रहा है, तो ऐसा अगर टेढ़ा लाइन अगर टेढ़ा रहेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जान लेना है कि ईयर कॉइल से ही हो रहा है, तब आपको ईयर कॉइल चेक करना है। और नहीं तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आते कि छोटा स्क्रीन हो जाते, ये सब तो पीसीबी में यानी किट से भी होते हैं, टीवी का किट में भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, वर्टिकल सेक्शन ख़राब रहता है, सप्लाई ख़राब रहता है, फिर भी होते हैं। तो चलिए जैसे प्रोसेस में मैं खोला था वैसे ही लगा दिया। और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप योक को बहुत सीधी तरफ से लगाइए, क्योंकि अगर सीधा नहीं रहेगा तो ये जो पिक्चर है पिक्चर टेढ़ा हो जाएगा, तो
तो वो बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पिक्चर एडजस्ट करने के बाद आपका जो योक कॉइल है, योक कॉइल को बहुत अच्छे से टाइट करना पड़ेगा ताकि हिल डुल ना हो जाए। ओके, तो अभी जो है मैं योक कॉइल लगा दिया सेट पे, और जो इसका एक एक वायर था इस सब को मैं लगा दिया। तो देखते हैं पिक्चर आते हैं या फिर नई फुल स्क्रीन पे। तो गाइस देखिए, अभी जो पिक्चर हैं बिल्कुल सही हो चुके हैं, फुल स्क्रीन आ चुके हैं, फुल डिस्प्ले जो होना चाहिए जैसे पिक्चर। लेकिन इसमें मैग्नेटिंग है, तो मैग्नेटिंग क्यों है मैं ये भी आपको बोल देता हूँ कि योक कॉइल हमारा जो है सही से एडजस्ट नहीं हुआ। तो आपको सही से लगाना है योक कॉइल, उसके बाद ही स्क्रू को टाइट करना है। ओके, तो देखिए ये जो योक कॉइल है इसको और ज़्यादा पिक्चर ट्यूब के अंदर लगाना पड़ेगा, उसके बाद सही होता है। तो अच्छे से लगाइए आप लोग। और अभी देखिए लगाने के बाद पिक्चर देखें कितना अच्छी आ रहे हैं, यानी क्लियरली आ रहे हैं। और बस ऐसे ही काम कीजिए आप लोग, देखते रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।